आप सभी लोगों ने टाइटल देख लिया है कि कितने बजे उठ के पढ़ें मैं आज दुनिया का आपको बेस्ट टाइमिंग बताऊंगी पढ़ने के लिए मैं भी उसी टाइम में पढ़ाई करती थी तो चलिए वीडियो को इन तक देखिएगा और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अभी मैं बहुत जल्दी स्टार्ट किया मैंने यूट्यूब चैनल मैं नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ तक का इंग्लिश पढ़ाती हूँ जी के शॉर्ट्स भी देती हूँ आज मैं आप लोग को बताऊँगी किस टाइम किस टाइमिंग पे आप लोग पढ़ो क्योंकि डेट आ गया है बच्चे बता रहे थे कि 24 मार्च से शायद होने वाला है पेपर अब आप टाइम टेबल आ जाएगा तब तो पढ़ाई नहीं स्टार्ट करोगे तो अब पढ़ाई स्टार्ट कर दो मैं आप लोग को टाइमिंग बता देती हूँ कि किस टाइमिंग पर आप लोग को कैसे कैसे पढ़ना है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं किस टाइम पे पढ़ें रात में पढ़ें तो नींद आता है दोपहर में तो काम रहता है स्कूल जाना रहता है फिर कोचिंग जाना रहता है नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ तक कोई ये दिक्कत है फिर इंग्लिश का कोचिंग फिर मैथ का कोचिंग ये सारे कोचिंग जाने रहते हैं तो पढ़े कब तो सबसे बेस्ट टाइमिंग है चार बजे से छः बजे तक मॉर्निंग में मॉर्निंग में चार से छः का जो टाइम है वो बहुत ही बेस्ट टाइम माना जाता है आप मॉर्निंग में स्टडी किया करो इसलिए क्योंकि चार बजे जब आप उठोगे ना तो आपके माइंड में कुछ नहीं रहेगा आप छः जैसे आप दिन में मूड आपका खराब हो जाता है मान लो सोशल मीडिया पे गए कोई मैसेज कर दिया मूड खराब या फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली है या फिर किसी को ज्यादा पढ़ते हुए देख लिए डीमोटिवेट हो गए पूरा दिन आपका बस सोचने में चला जाता है कि कैसे करें क्या करें क्या, करें, क्या ना करें तो आपको चार बजे से जब आप उठोगे तो सो के उठोगे तब ना माइंड में ये सब सो के उठने के बाद तुरंत मोबाइल नहीं छूना आप लोगों को अलार्म लगाओ उठ के आप कॉपी पास में रखो ठंडी का महीना आ गया आप आपको उठे ना उठे उठे ना उठे तो कॉपी को जहाँ सो रहे हो जो भी आपको पढ़ना है सुबह में कोई मान लीजिए केमिस्ट्री पढ़ना है इंग्लिश पढ़ना है सेंट्रल आइडिया याद करना है ये या फिर पोएट के नेम लेसन नेम याद करना है तो जो भी याद करना है उसको रात में सोच लो कि चार बजे से छः बजे तक मैं इन टॉपिक को दो घंटे में कवर कर लूंगा या फिर रात में आप जैसे रात में बहुत देर तक जगने की जरूरत नहीं है बारह बजे एक बजे तक जगोगे तो चार बजे उठ भी नहीं पाओगे तो इसीलिए आपको रात में दस बजे ग्यारह बजे के अंतर आप लोग सो जाना है क्या करना है सो जाना है उसके बाद रात में आप डिसाइड कर लो या फिर रात में जो पढ़ रहे हो ना पूरे दिन सबसे अच्छा यह है कि पूरे दिन जो आप पढ़ रहे हो जो इंग्लिश के कोचिंग में पढ़ रहे हो, जो मैथ, जो जो भी चीजें पढ़ा रहे हैं चार बजे से छह बजे तक सारी रिवाइज कर लो और फिर दिन की शुरुआत करो इंग्लिश की कोचिंग में भी जाओगे तो जो सर पूछे सर बता दिए वो भी आपका दिन बन गया फिर आप मैथ के कोचिंग में जाओगे तो वहां भी आपने जो रिवाइज किया है सुबह और सुबह का याद किया हुआ बात मानिए माइंड में बहुत देर तक रहता है इजिली याद हो जाता है मैं भी ऐसे याद करती हूँ मैं भी मुझको जब भी पढ़ना रहता है जो भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी थी खैर अभी मैं बी कर रही हूँ तो जो भी मैं नाइन्थ से लेकर जब मैं ट्वेल्थ तक थी ना तो मुझे केमिस्ट्री याद करना होता था तो मैं चार बजे से छः बजे तक उठ के पढ़ती थी जब भी टेस्ट होता था हर संडे को हम लोग के कोचिंग में टेस्ट हुआ करता था और फुल में से फुल मार्क्स आते थे, थे। खैर अभी तो सब भूल गया केमिस्ट्री अभी तो इंग्लिश ही पढ़ाती हूँ लेकिन चार बजे से छः बजे तक आप उठ के पढ़ो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो जो भी रिवाइज करना है आपको जो भी पढ़ना है वो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हो तो ये बेस्ट टाइमिंग है दोपहर में आप टाइम नहीं पाओगे कॉलेज में रहोगे उसके बाद आप कोचिंग में रहोगे सुबह भी कोचिंग में रहोगे आप टाइम निकालोगे कब रात में नींद आने लगता है और रात में चले आते हो आप मोबाइल में तो चैटिंग करने लगते हो इंस्टाग्राम पे चले जाते हो तो मेरा बात मानो दो तीन महीने के लिए इंस्टाग्राम व्हाट्सअप बंद कर दो क्योंकि जब अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे ना तो आप चलाना क्योंकि जब अच्छे परसेंटेज नहीं आएंगे तो वही व्हाट्सअप के जो आप जिससे भी चैट करते हो या फिर इंस्टाग्राम पर जिस वो लोग यही पूछेंगे कितना आया कितना परसेंटेज आप कम आए ना तो लोग सुना देंगे वो तो ये नहीं कहेंगे कि मुझसे मुझसे बात मत करो इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सअप पे, पे जाओ तुम्हारा पेपर है वो ये नहीं कहेंगे लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा तो वही लोग आपको सुनाएंगे तो इससे अच्छा है कि आप दो तीन महीने बंद कर दो और अपनी पढ़ाई को मुंबन रखो अगर बहुत मतलब ज़्यादा आप लोगों ने पढ़ाई कर लिया है तो आप जाके थोड़ा सा दोस्तों के साथ घूम लो फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लो लेकिन मोबाइल के साथ ज़्यादा आप लोग अभी यूज मत करिए एग्ज़ाम आ गए हैं टेंथ के ट्वेल्थ के बोर्ड एग्ज़ाम आ गए हैं और मैंने भी एक वीडियो बनाया कि एग्जामिनर को गुमराह करना वो ज़रूर देख लीजिए क्योंकि एग्जाम को लेके आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है कि आप एग्जामिनर को अब कॉपी में कुछ भी लिख के आओगे और एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा तो ऐसा नहीं है उस वीडियो को ज़रूर जा कर देखें मैंने सारी टिप्स बताए हैं कि कैसे कैसे आप कॉपी लिखो और क्या चीज़ें ना करो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख के आओगे आपको नंबर मिल जाएगा तो दुनिया का बेस्ट टाइमिंग मैंने बताया भोर में आपको अगर तीन बजे उठ पाते हो तीन बजे उठो चार बजे उठ पाते हो चार बजे नहीं उठ पाते हो तो रात में आप लेट नाइट स्टडी कर सकते हो बट लेट नाइट स्टडी में क्या होता है ना आप बारह बजे एक बजे दो बजे सो रहे हो और सुबह आठ बजे उठ रहे हो तो वो आपका दिन ख़राब हो जाता है सूरज उग गया फिर आप ऐसे घर में सारे लोग काम कर रहे हैं और अभी आप उठ रहे हो तो वो ठीक नहीं लगता बल्कि आप चार से छः उठ के पढ़ोगे मॉर्निंग और नहीं नींद टूट रहा है उठो जाओ एक कप चाय बनाओ कॉफ़ी जो भी आप पीते हो बना लो और अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो तो चार बजे से छः बजे तक पढ़िए तीन महीने का समय है नब्बे दिन है और आपको डेली दो दो घंटा देना है बहुत से टॉपिक तैयार हो जाएंगे अभी तक पढ़ना ने स्टार्ट किया है तो यकीन मानिए हंड्रेड परसेंट मैं गारंटी के साथ कहती हूँ चार बजे से छः बजे तक आप लोग मॉर्निंग के पढ़ना शुरू कर दीजिए आपके बहुत से टॉपिक कवर हो जाएंगे और सुबह का पढ़ा हुआ ये रिसर्च भी कहता है कि आप जब जो, जो मॉर्निंग में पढ़ते हो वो जल्दी नहीं भूलता वो आपके माइंड में बैठ जाता है इसीलिए मॉर्निंग का टाइम वर्ल्ड का बेस्ट टाइम माना जाता है स्टडी के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो कुछ आप सीखे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर